हरे कृष्ण। हमने हमेशा आंसुओं को दर्द, दुख और अलगाव के प्रतीक के रूप में सुना है, लेकिन भक्ति की चरम अवस्था में आंसू पवित्रता, निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने भक्ति का एक अलग मार्ग दिखलाया तथा स्थापित किया। जहां भौतिकतावादी लोग आंसुओं को भय और दुख की निशानी के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरे प्राणियों को लग सकता है कि आंसू भावनाओं का अतिरेक प्रवाह है, आवेग है, जबकि भक्ति में इनका कोई और छोर ही नहीं है। कृष्ण के आश्रय की आस में, शरणागति की अवस्था में भावनाओं का विस्फोट अश्रुओं के रूप में होता है। द्वापर युग से कई ऐसे उदाहरण हैं जब अश्रुओं ने भक्ति की प्रतिबद्धता को, गंभीरता को प्रदर्शित किया है। इस नश्वर संसार में संघर्ष करते हुए भक्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला जीव कृष्ण को स्मरण कर रोकर धीरज धरता है। भक्ति आंदोलन को रोने और चिल्लाने का आंदोलन भी कहते हैं, और इसमें गाया जाने वाला मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मीराबाई रोती थी, गोपियां, श्रीमती राधा रानी, श्री चैतन्य महाप्रभु, वे सभी भगवान के विरह में रोते थे तथा भगवान को पाने की अपनी इसी तीव्र इच्छा व उत्कंठा के कारण ही उन्होंने भगवान के साथ एक दृढ़ व मधुर संबंध प्राप्त किया था। अवश्य ही भक्ति का वह स्तर हम मनुष्यों के लिए अप्राप्य है, लेकिन हम सभी को उस उच्च उद्देश्य को लक्ष्य बनाना चाहिए ताकि हम किसी तरह कृष्ण के थोड़ा नजदीक जा सके, क्योंकि भक्ति सिर्फ श्रद्धा, समर्पण, अनुराग और तपस्या के बारे में नहीं है, बल्कि बिना शर्त प्रेम के बारे में है। वह प्रेम जो राधा रानी व गोपियां श्री भगवान से करती हैं, ऐसा प्रेम कि जब वे एक दूसरे के विरह में रहते तब ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही विलाप कर रहा है, तथा यही प्रेम की तीव्र इच्छा का सार है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।